आपको मैं सीधे टोक्यो लिए चलती हूँ। टोक्यो में हमारे सहयोगी विकास भदौरिया लगातार हमें लाइव अपडेट्स, लाइव तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। विकास, अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि क्वाड की बैठक चल रही है, बाहर क्या हलचल बताएं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल बाहर हलचल तेज है। सुरक्षा कर्मी जो वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इस समय मैं आपको दिखा दूं, जो जो पार्लियामेंट है जापान की, जिसको द डाइट नेशनल बिल्डिंग कहा जाता है, नेशनल डाइट बिल्डिंग, उसके बाहर हूँ और उससे ठीक सटा हुआ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, जहाँ पर क्वाड के नेताओं की बैठक चल रही है। इस इलाके में अब से कुछ देर पहले तक ट्रैफिक रुका हुआ था, लेकिन अब ट्रैफिक खोल दिया गया है। हवाई निगरानी भी की जा रही है। देखिए, बैठक में जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर जो चर्चा हो ही रही है, जैसे कि हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, वो भी बता रहे हैं कि क्वाड की स्थापना कैसी हुई और अभी इसका जो एजेंडा है वो क्या है। निश्चित रूप से देखिए, तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रही है। तकनीक सहयोग, इसके साथ साथ चीन की तकनीक के जरिए घेराबंदी एक बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको सुबह बताया था कि हुआवेई टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, जो कि टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया भर में इसके ऊपर जासूसी के, डेटा चोरी के आरोप लगे। भारत ने इस पर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया। अब जो क्वाड देश हैं वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इस कंपनी के लिए, जो इन चार देशों की अपनी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, उनको वो काफ़ी इनसे बेहतर कर रही हैं, इसके मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनको अब चार देश मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मौके देंगे ताकि वो हुआवेई कंपनी को बाहर कर सके। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा ये कि जो तमाम लोकतांत्रिक देश हैं उनकी सुरक्षा को जो सीधा खतरा था इनकी जासूसी के जरिए, वो रुक जाएगा। इसके अलावा जो डेटा चोरी होता था, उसका खुले बाजार में अवैध इस्तेमाल करते थे, वो भी रुक जाएगा। और आर्थिक क्षति के अलावा जो सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश चीन करता है अपनी इन कंपनियों के जरिए, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो क्वाड के देशों के नेताओं ने महसूस की है कि जो चीन का निवेश है, वो छोटे देश उसको समझते हैं कि उनके लिए लाभकारी है, उनके यहाँ विकास करेगा, नई कंपनियाँ आएंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और उससे उन छोटे देशों को लाभ होगा। लेकिन श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, सोलोमन आइलैंड आपके सामने उदाहरण है, वो चीन से निवेश लेकर, लोन लेकर फंस गए, बर्बाद हो गए। तो क्वाड के देश, क्वाड देशों के नेता ये महसूस करते हैं कि जो धारणा है बाजार में वो ये है कि इससे उनको फायदा होगा, लेकिन ये उलट है। चीन दरअसल इसके जरिए मिलिट्री सिविल फ्यूजन करता है और उन देशों पर कब्जा कर लेता है अपनी मिलिट्री मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, या उसकी कोशिश करता है। और न केवल वहाँ की डेमोग्राफी बाद में बदलने की कोशिश भी की जाएगी, छोटे छोटे देश चीन के चंगुल में फंसते जाएंगे। और इससे बचाने के लिए ही एक बड़ा जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है वो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। यहाँ जो छोटे छोटे देश हैं वो चीन के चंगुल में ना फंसे, यहाँ से इन तमाम देशों को न केवल व्यापार मिले बल्कि यहाँ पर निवेश करने के लिए, देखिए निवेश कैसे होगा, यहाँ पर आपूर्ति चेन डेवलप की जाएंगी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, यहाँ के बाजार के उत्पादों को बड़े देशों में भेजा जाएगा, बड़े देशों के उत्पादों को छोटे देशों में लाया जाएगा। लेकिन ये चार देशों की मंशा जो है इन देशों पर कब्जा करने की नहीं है, यहाँ पर सिविल मिलिट्री फ्यूजन करने की नहीं है। तो इससे दुनिया भर को सावधान करना है कि जो जो आप निवेश ले रहे हैं वो दरअसल आपके लिए खतरनाक है, वो आपके देश को खत्म कर देगा, इस पर विचार होगा। और इस पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।